है ना बेटा, सुनो, टेस्ट जो है ना वो एक ऐसा ना बहुत इंपॉर्टेंट बिट है या फिर इंपॉर्टेंट पीस है जेई प्रिपरेशन का। जैसे मान लो कि लेट्स से कि है ना, जेई प्रिपरेशन ही नहीं, मतलब मान लो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए टेस्टिंग जो है ना बहुत ही प्राइम चीज है। मतलब सबसे प्राइम चीज ही टेस्टिंग है। कम पढ़ाना चलेगा, कम टेस्ट नहीं चलेगा, टेस्ट मकारी नहीं चलेगी। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ जेई के अंदर ही मॉक टेस्ट या फिर जेई के अंदर ही इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है ही है। तुम बड़े होकर मान लो कि कैट का एग्जाम दोगे तो कैट के एग्जाम में मुझे कई बार लगता है कि जितने सवाल पूछते हैं सबको आते हैं। कैट के एग्जाम में सिर्फ और सवाल की जो स्पीड है वो मैनेज नहीं होती। वो मैनेज कैसे होगी? टेस्ट देने से। कोई बच्चा अगर मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में जो बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, उसको जितने भी सवाल पूछते हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हो, चाहे हिस्ट्री के हो, चाहे सिविक्स के हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे फिजिक्स के हो, कैसे भी सवाल हो, उन सवालों के मोस्टली जो आंसर की रूपरेखा होती है वो अधिकतर बच्चों को आती है। बट बहुत सारे बच्चे उस सवाल के आंसर को आर्टिकुलेटेड तरीके से लिख नहीं सकते। वो कैसे लिखने कल आएगी? टेस्ट से। और कैसे आएगी? टेस्ट। यही हालत हमारे साथ है। हम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर मैं जब घर बैठ के आलती पालती मार के सवाल करता हूँ तब मेरे 30 में से 25 सही होते हैं। वही सवाल, सेम सवाल अगर मुझसे कोई टेस्ट में पूछे तो मेरे 30 में से 15 सवाल सही होते हैं। अगर वो मुझसे पूछे कि सर मैं इस पूरे के पूरे 10 सवाल का गैप को कैसे दूर करूँ, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, टेस्ट दो, ठीक हो जाएंगे। भाई तेरे को दिक्कत किस चीज से? तेरे को दिक्कत इस चीज से कि तू टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा। तेरे पास क्या ऑप्शन है टेस्ट में अच्छा करने के लिए? टेस्ट को फेस करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बंदा है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, बढ़िया क्रिकेट खेलता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेलता है, लेकिन मान लो कि उससे बाउंसर बॉल सेट ही नहीं आती उसको। जैसे बाउंसर बॉल हुक मारने की कोशिश करता है, बॉल वहीं खड़ी आती है, वो आउट हो जाता है। उसको बाउंसर बॉल कैसे फेस करना है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो उसका कोच उसको क्या कहेगा कि फेस एज मेनी बाउंसर एज यू कैन इन प्रैक्टिस, नॉट इन द गेम बट एटलीस्ट इन प्रैक्टिस। वो क्या करेगा कि उस बंदे को जो लेदर की बॉल से खेलता है उसको वही वाला जो कोच होगा वो लॉन टेनिस की बॉल से बाउंसर फेंकेगा, बिकॉज लॉन टेनिस बॉल का बाउंस ज्यादा होता है, फेंकेगा ना। देखियो ना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो खास तौर से हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह खेलने जाते हैं, बाहर देश में जाते हैं, बाउंस ज्यादा होता है तो लॉन टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कराते हैं जस्ट बिकॉज वहां बाउंस थोड़ा सा बेटर रहता है। तो जिस चीज में हमारा अनकंफर्टेबल है हमें उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। दैट दैट इज द ओनली वे टू मतलब गेट वेल, मतलब अपने आपको ठीक करने का यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। बाकी सारे रास्ते तो एकदम फर्जी हैं। असली रास्ता तो ये कि ना अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, टेस्ट दो, सब सही हो जाएगा। टेस्ट देने के 3 स्टेप है। एक भी स्टेप मिस कर दिया तो मान के चलो तुम 0 पे पहुंच गया। मैं बस बोलता हूँ टेस्ट देने के 3 स्टेप है। एक भी स्टेप में गड़बड़ की तो वो टेस्ट नहीं देने के बराबर है। पहला कि टेस्ट जब भी दो तैयारी करके दो, रिविजन करके दो। रिविजन का अर्थ ये कहता ही नहीं होता कि सर ने 50 पन्ने पढ़ा रखे, मैं 50 के 50 पन्ने वापस से लिखूं। बट सर ने मुझे ये सिखाया कि है ना मिरर में फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। सर उसको थोड़ा स्टाइल से लेते हैं, v = uf/u - f। सर ने बता रखा कि मिरर में मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा -v/u, या तो f/f - u, जैसे बोल। लेंस में सर ने ये बताया, ये बताया। प्रिज्म में सर ने हमें 2-3 चीजें बताई कि पहली बात तो है ना डेविएशन वगैरह के लिए पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। आई से R1 निकालना, R1 से R2 निकालना और R2 से E निकालना, और डेविएशन हमेशा I + E - A होगा और R1 + R2 का सम हमेशा 1 के बराबर। मैं तुम्हें रिवाइज करके दिखा रहा हूँ कि इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव रिवाइज्ड लाइक दैट। और यार डेविएशन मैक्सिमम थोड़ा सा टफ था, चलो फिर भी देख लेता हूँ। डेविएशन मैक्सिमम में सर ने कहा कि आई और ई में से एक जना डब्बा होना चाहिए। एक जना ठीक है, टफ सवाल आएगा तो इसमें से आएगा, और क्या है। सर ने ये भी हमें सिखाया कि ए की वैल्यू एपेक्स एंगल की वैल्यू अगर 2c से बड़ी हुई ना तो TIR होगा ही होगा। ए की वैल्यू अगर c से छोटी हो तो TIR होने की संभावना है ही नहीं, कम ऑन यार। और ए की वैल्यू अगर c और 2c के बीच में तो TIR हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बड़ा याद है, मैं तुम्हें रिवाइज करके दिखा रहा हूँ कि मैंने प्रिज्म तुम्हें लगभग 50 सेकंड में रिवाइज करा दिया। ऐसे करना है रिवाइज, ऐसे कर। बाकी भरोसा रखो दिमाग पे। ये बड़ा कोई अपने 9th-10th क्लास की हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी थोड़ी कि मैं हर डेटा याद रखूंगा, बेसिक बात याद रखूंगा। और भरोसा किस पे? दिमाग, दिमाग पे मैं कर लूंगा। ऐसे करते 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 विदिन तो कोर्स बहुत ज्यादा है ही नहीं बेटा। क्या क्या है बेटा सिलेबस में? काइनेमेटिक्स, जियो और एनएलएम, ठीक है। इसको रिवाइज करने में मुश्किल से करो ना 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो रख दो कि मैंने खराब किया है। 20 मिनट से ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। न्यूटन्स लॉ में तुम क्या रिवाइज कर लोगे?
क्या कर लोगे? चलो काइनेटिक्स तो फिर भी दो चार फॉर्मूले याद कर लोगे, न्यूटन से कुछ रिवाइज कर नहीं सकते। तुम कहो मैं सर सवाल देखूंगा, अरे सवाल जो तो देख रहा वो थोड़ी पूछेंगे वहां पे, सवाल तो नया पूछेंगे, और नया सवाल पूछने के लिए कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो पता है कि जिस तरफ नेट फोर्स है उस तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तुझे कॉन्सेप्ट पता है कि रस्सी की लेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी? सर ने दो बंडे सिखा रखे हैं, तो पुल्ली वाला कि पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वो एवरेज होगा किसका बेटा, ए वन प्लस ए टू, दोनों रस्सी का जो है मतलब दोनों तरफ की जो रस्सी लगी ठीक है हो जाएगा सवाल। अगर फायदा होता है ऐसा होगा आसान, अगर जीन मेन लेवल का सवाल होगा तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन का सवाल होगा या नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तुम सारे के पहला स्टेप समझ आ गया रिविजन, बट नेवर रिविजन नेवर मीन्स कि पूरा पढ़ रहे हैं लगे पड़े हैं है ना, फिर रिवाइज करते करते सिर्फ और सिर्फ वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी तक पहुंचे तो टाइम ही हो गया ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? पहला ये। दूसरा स्टेप ऑफ कोर्स टेस्ट देना, टेस्ट को हमेशा उस तरीके से दो जिस तरीके से हम एक्चुअल टेस्ट देने वाले। 3 घंटे आराम से बैठकर अपनी पानी की बोतल वोटल साथ लेके अभी से ट्यून कर लो अपने आप को, अभी से ट्यून कर लो अपने आप को कि मैं एक्चुअल जेई जब दूंगा तो ऐसे माहौल में दूंगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, तो एक्चुअल जेई का एग्जाम जिस दिन देने जाओगे ना तुम उस दिन वॉशरूम नहीं जाओगे बीच के 3 घंटे में, नहीं जाओगे ना। मोस्टली चांसेस इस बात के हैं कि 99% इस बात के चांसेस तुम वॉशरूम नहीं जाओगे, तुम्हें आज भी नहीं जाना चाहिए। अपने आप को ट्यून करना, पहले वॉशरूम जाके आओ, टेस्ट देने से पहले वॉशरूम जाके आओ, फ्रेश हो फिर आराम से एग्जाम दो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, पुरानी बात है 2015-16 के आसपास की बात है, तो है ना क्लास में एक बच्ची थी है ना ड्रॉपर थी ठीक है, तो जयपुर की थी है ना, तो उसकी उसकी एक आदत थी कि है ना वो है ना घर पर जब भी टेस्ट देती थी, घर पर जब भी टेस्ट देती तो वो है ना छत पर धूप में बैठ के एग्जाम देती। उस टाइम ऑफलाइन गोले भरने वाले टेस्ट होते थे, तो छत पे बैठती धूप में एग्जाम देती, समझ गए इस बात को। तो उसकी एक बार ना मम्मी ने मेरे को फोन किया कि सर ये ना ऐसे धूप में बैठ के एग्जाम देती है, कोई ऐसे इसको मेंटल इशू तो नहीं है, एक बार बात कर लो इससे। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया धूप में बैठ के एग्जाम क्यों देती है? तो उसने कहा कि सर लास्ट ईयर जब मैं 12वीं क्लास के साथ में एग्जाम दे रही थी तो मेरी जो सीट थी बेटा उस टाइम गोले भरने वाले एग्जाम थे, कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर तो फिर रूम में एसी होना मस्ट है, उस टाइम एसी होना मस्ट नहीं था, पंखा चल रहा था, मैं खिड़की के पास थी, खिड़की से धूप आ रही थी और मैं एग्जाम दे रही थी, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। देखा तुमने क्या सोचा उस बच्ची ने? जिस एक बात से वो परेशान रही एग्जाम में, किस बात से परेशान रही? धूप से। तो वो क्या कर रही है कि मॉक टेस्ट भी कैसे दे रही है? धूप में, कि अगली बार अगर मुझे अगर कोई सेंटर अच्छा नहीं मिला, गर्मी ज्यादा हुई, तब भी मैं अपने आप को ट्यून कर लूं कि अगर इस तरह की स्थिति है तो उसको फेस कर लूंगी। रैंक थी 150 ऑल इंडिया रैंक, ड्रॉपर बच्चे की 150 इतनी आसानी से नहीं आती है, रैंक कितनी 150। तुम कमिटमेंट देखो उसका कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उसको, कौन सी प्रॉब्लम बेटा कि धूप में, समझ रहे इस बात को। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि सर एडवांस का जब एग्जाम होता है, मेरे ख्याल से एडवांस में बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि सर एडवांस का एग्जाम होता है तो कई बार कंप्यूटर्स बहुत नजदीक नजदीक लगे होते हैं कई कई सेंटर्स पे, तो सर उसमें ना हाथ ऐसे रखने के लिए जगह नहीं मिलती ठीक है। तो इसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इस कारण से वो टेस्ट के अंदर आदत ही क्या डालते हैं यूं लिखने की, समझ बेटा। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, और बहुत सारे सेंटर्स में ना जगह अच्छी नहीं मिलती तो बड़ा बच्चा ऐसे लिखने की आदत डालता है। जो उस रैंक का बच्चा होता है, जो उस तरह के लेवल की रैंक लेके होता है, वो यहां तक सोचता है। तो दूसरा स्टेप बड़ा समझ आ गया कि एग्जाम को दो कैसे बेटा अच्छे से, 3 घंटे उठना नहीं है, 3 घंटे लगातार बैठे करना है, पूरी कंसेंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ इस तरह से एग्जाम देना है कि यही एग्जाम फाइनल एग्जाम है। इजी पहले ढूंढने हैं, टफ देखने ही नहीं है, मेडिकल क्वेश्चंस के साथ लड़ाई करनी है, पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं है, फिजिक्स इजी मॉडरेट और टफ का है। कौन से करूंगा? इजी तो पक्का करूंगा, लड़ूंगा किनके साथ? मॉडरेट का, छोड़ूंगा कौन से? टफ। अगर ऐसा हो गया मान के चलना कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो तुम जानते बेटा, जब तक तुम पेपर एनालाइज नहीं कर रहे हो तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, तुम पहुंच ही नहीं सकते। जहां तुम जाना चाहते हो तुम वहां पर बिना एनालाइज के पहुंचोगे नहीं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि तुम्हारी मानसिकता कैसे डेवलप हुई। तुम जब छोटे थे ना तो तुम लेट से ना सोशल साइंस का पेपर देके आए, मान लो 9th 10th क्लास में थे, 10th क्लास थे, तो तुम हाफ ईयर लेकर सोशल साइंस का पेपर देखे, पेपर तुम्हारे हाथ में था, तुम घर पहुंचे तो पेपर कैसे फेंक दिया, एंड देट वॉज ओके, क्योंकि जो जो पेपर आ चुका वो वापस आएगा नहीं, तुमने उसको फेंक दिया, डन, दैट इज डन, डन अंडरस्टेंड। तो आदत पड़ गई कि तुम्हारा घर जब भी जाओगे तो पेपर को ऐसे फेंकोगे कि पेपर हो गया,
अरे भाई वो जो पेपर स्कूल में हो गया, उस पेपर का एक एम था। क्या एम था? कि यार उस नंबरों से तुम्हें 9th से 10th में, 10th से 11th में भेजते थे ना, तो उस पेपर का एक एम था। वो एम खत्म, तुमने पेपर को फेंक दिया। ये जो तुम आज पेपर दे रहे हो, इसका ये एम है ही नहीं, समझो? इसका ये एम है ही नहीं कि बेटा ये तुम्हें ना 12th से 13th में, 13th से 14th में भेज रहा है। इसका एम तो क्या है? चीज सिखाना। अब यार चीज सिखाना तो बचा ही है। वो तो चीज तो तुम सब तब सीखेगा ना, तब तू देखेगा कि यार 300 नंबर का पेपर था। मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो सो नहीं आ रहे ना, तो मैं अपना सारा सारा समय किसको दूंगा? जो सो नहीं आ रहे ना, उनको दूंगा। अगर मैं इस मानसिकता से चला, अगर मैं इस माइंड सेट से चला, तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसे जेई में ही नहीं रोक पाएगा, आगे भी नहीं रोक पाएगा। जो बच्चा इस एज के अंदर ही, 17, 18, 19 साल की एज के अंदर ही अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर जो सवाल वो एक्चुअल एग्जाम में गलत करके आया है, जो सवाल एक्चुअल सवाल जो जो सवाल बेटा वो एक्चुअल एग्जाम के अंदर छोड़ के आया है, जिन सवालों से भयंकर तरीके से नफरत है, जिन सवालों के साथ उसका अनकंफर्टेबल जोन है, उनके साथ अगर वो घंटा भर, 2 घंटा भर बिताता है, इट मींस दैट उस बच्चे में आज एक क्वालिटी डेवलप हो गई है कि वो बच्चा अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर जा सकता है। और जो बच्चा आज इस एज में अनकंफर्टेबल जोन से अगर बाहर जा सकता है, तो वो आगे जाके ऑफकोर्स बहुत मौके मिलेंगे अपने अनकंफर्टेबल जोन से बाहर जाने के, वो निकलेगा। और वो निकलेगा तो ऑब्वियस बात है बाकी लोगों के मुकाबले बेटरी करे। सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक द टेस्ट लाइक दिस एंड नथिंग मोर देन दैट। टेस्ट है, 3 स्टेप है बेटा, रिवाइज, टेस्टिंग एंड एनालिसिस।